अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मॉर्निंग है, सुबह हो गई है। नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद, सफाइयाँ करने के बाद अब मैं अपने कपड़े रेडी कर रही हूँ। मैंने शावर लेना था इसलिए, और क्या है कि सारी रात बारिश होती रही है। पता नहीं क्या है, ऐसा दूसरा दिन हो रहा है कि दिन में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल साफ़ आसमान, कुछ भी नहीं होता, और जैसे ही रात होती है तो बादल आ जाते हैं और फिर गरज बरस यही शुरू हो जाता है। तो सारी रात यही होता रहा और इतने बादल गरजे, इतने गरजे कि बस मैं बहुत डरी हुई थी। मैं इतना डर लग रहा था मुझे। खैर, बच्चे तो सो गए थे, अल्लाह का शुक्र है ये भी, वरना वो बड़ा तंग करते मुझे, और ख़ुद मैं बहुत डरती रही हूँ। खुदा खुदा करके जाके नींद आई मुझे, और उसके बाद जो है बस सुबह हो गई फिर। और यहाँ पे मैं अपने बेटी के कपड़े इस्त्री कर रही थी, और उसके बाद सबके कपड़े एक ही दफ़ा इस्त्री कर देती हूँ, उसके बाद बच्चों को तैयार करके फिर मैं खुद हो जाती हूँ, और फिर आ जाएगा लंच का टाइम। और फिर दिन ऐसा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और पीछे हमारे घर के एक हमने प्लाट वगैरह छोड़ा हुआ है, मतलब उधर एक दो कमरे भी बने हुए हैं, जैसे स्टोर रूम वगैरह हो गए, तो वहाँ पे दरख्त भी हैं और मैं वहाँ गई चक्कर लगाने। आपको भी वहाँ दिखाती हूँ, दरख्त भी हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। और धुला धुलाया सब कुछ, फर्श इतना प्यारा लग रहा था, और वहाँ पे हवा थी बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है जी वहाँ का व्यू, और ये दरख्त मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे न्यू है बिल्कुल छोटा सा, और बहुत मज़ा आ रहा था। और मैंने बच्चों को फिर कश्तियाँ बना के दी, और वो उधर पानी भरा हुआ था तो उन्होंने पानी में तैराई कश्तियाँ, और फिर हमने बहुत सारा इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं घर आई और फिर सोचा कि लंच में पकोड़े बना लेते हैं। तो ये हैं जी मैंने जो कश्तियाँ रेडी की थी, आप देखें। तो उसके बाद फिर मैंने बनाए पकोड़े और बच्चों ने साइकिल वगैरह चलाए और बहुत मज़ा किया, क्योंकि स्कूल की भी छुट्टी थी उनकी। और उसके बाद पकोड़े जो बनाए उसकी रेसिपी मैं नहीं दे पाई, और इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपको रेसिपी दूंगी। तो जी ये हैं हमारे पकोड़े, मैं बना रही हूँ पकोड़े, तो यू एंजॉय इट। Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. जी पकोड़े वगैरह ला और बहुत मट्टी मट्टी हो गए, उसके बाद मैंने उनको शॉवर दिया, और यहाँ पे नैप ले रहे हैं, और मैं यहाँ पे काट रही हूँ खरबूजा और इंजॉय करूँगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, होप यू आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।